महाराष्ट्र में ऊंची जाति की एक लड़की से एक तरफा प्यार करना और कथित तौर पर उसका पीछा करने की वजह से बहुजन युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 20 साल के युवक की हत्या के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जगताप नगर के मृतक युवक के चाचा की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर की। महाराष्ट्र में जगताप बहुजन समाज से और काते ऊंची जाति से आते हैं। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने पहले मृतक युवक विराज को जाति सूचक गालियां दी और फिर उसे मार डाला। शिकायत के मुताबिक विराज मौके पर खून से लथपथ पाया गया था। उसके सिर और शरीर पर चोट के निशान थे। जीतेश जगताप ने पुलिस को बताया कि विराज ने मरने से पहले हमलावरों के बारे में बताया था। विराज ने चाचा को बताया कि उसने भागने की कोशिश की लेकिन गिर पड़ा। आरोपी उसे जमकर पीटते रहे। बेटी को प्रपोज करने की उसने हिम्मत कैसे की है कहते हुए जगदीश काते ने उसे जाति सूचक गालियां भी दी। विराज को आदित्य बड़ाला हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हो गई। आरोपियों का कहना है कि मृतक काते परिवार की एक बेटी का पीछा कर रहा था। उसे पहले भी चेतावनी दी गई थी और इस वजह से दोनों परिवारों में दुश्मनी चल रही थी। एफआईआर के मुताबिक काते परिवार के 6 लोगों ने पहले मिनी टेम्पो से विराज के 2 पहिए वाहन में टक्कर मारी और फिर उस पर रोड और पत्थरों से हमला कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।